अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हमारी थी दावत बड़ी बाजी के घर, और आज हम सब बहनें उधर इकट्ठी हुई थी। भाई और बाजी ने मिलके ये ग्रिल का एहतमाम किया था। ये बाजी ने कबाब तैयार किए और भाई साथ साथ बना रहे थे ग्रिल पे। बहुत मज़ा आया। हम सब बहनें थी आज, सही वो कहते हैं ना सिस्टर पार्टी, आज हमने वो की। और बच्चे भी थे साथ, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो चलिए चलती हूँ, दिखाती हूँ मैंने आपको थोड़ा सा ये व्यू। वो काम कर रहे थे, मैंने कहा चले मैं आपको बाजी का थोड़ा सा सहन दिखाती हूँ, बाजी के घर का। और ये बहुत अच्छी माशाल्लाह जगह है बच्चों के खेलने की। और ये दो सिस्टर मेरी जो हैं मेरे से छोटी, वो बना रही थी नान तंदूर में, और ये इलेक्ट्रिक तंदूर है जिस पे ये बना रही हैं। ये पेड़ी उन्होंने करके रख ली हैं। मैं फ्री थी, मैंने कहा चले मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपना दिखा देती हूँ अंदर आपको भी कि आज हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। ये यहाँ पे रख रही हैं कबाब और चिकन ग्रिल में। ये भी गैस वाली ग्रिल है, बहुत इजी इस पे काम हो जाता है। और ये तंदूर है, इस पे एक रोटी हम तंदूर के ऊपर डाल सकते हैं, और एक जब ये थोड़ी सी ऊपर से पक जाती है ऊपर वाली साइड, तो फिर इसको अंदर तंदूर के अंदर रख दिया जाता है। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे गुलाब लगे हुए थे बाजी के घर। और ये वाला जो गुलाब है ये मैंने अपने हाथों से लगाया था, बाजी के घर का पहला पौधा है ये। बाजी का जब घर बन रहा था तब, यानी कि इन्होंने अभी पौधे वगैरह नहीं थे लगाए, तो तब मैं ये ले गई थी दो गुलाब, तो मैंने एक लगाया था और एक जो वो ख़राब हो गया। साथ बच्चे ये लूडो खेल रहे थे, उनको थोड़ी थोड़ी बोरियत हो रही थी क्योंकि अभी खाना शाना तैयार नहीं था, तैयार हो रहा था। तो मैंने कहा चले आप लूडो एंजॉय करें बच्चों। साथ में इधर उधर घूम के उनको कंपनी दे रही थी, देख रही थी, बस ये समझ लें कि मैं कंट्रोल कर रही थी सबको। और ये बना रही थी नान। ये आज हम सहन में थे, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी काफ़ी दिनों बाद, तो मौसम अच्छा था। तो बाजी ने कहा आज सारी बहनें आज मिलके एंजॉय करते हैं, तो फिर ऐसे प्रोग्राम बना और हम सब बहनें इकट्ठी हुई सेहन में बाजे के घर के बाहरी मेज़ के ऊपर कर रही हैं, नान वगैरह बना रही हैं दोनों सिस्टर। बाजी भाई के साथ हेल्प कर रही हैं, मैं इधर घूम फिर रही हूँ, देख रही हूँ सबको कौन क्या कर रहा है। माशाल्लाह तंदूर में बहुत अच्छे नान बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के और इजी, झटपट। जैसे कि 10-12 लोग इकट्ठे हों तो जल्दी बनाना हो खाना, तो जल्दी इस पे रोटियां तैयार हो जाती हैं। रोटियां भी बना सकते हैं, नान भी बना सकते हैं। ये मैं अंदर लेने आई थी कुछ, बाजी कह रही थी बर्तन वगैरह अंदर से ले आओ, तो मैंने कहा अंदर से भी थोड़ा सा आपको बाजी का घर दिखाती हूँ। ये 2-3 साल में भाजी ने खुद ये तैयार करवाया है घर, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। अल्लाह में किस्मत में करे इनकी कुछ काम हो गया इसका, अब तो काफ़ी कंप्लीट हो गया है। पहले कुछ रहता था लेकिन अब अल्लाह के फजल से पूरा कंप्लीट हो गया। घरों के काम तो ख़त्म नहीं होते, आपको पता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन माशाल्लाह से उनका घर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। ख़ुद से उन्होंने जगह ले कर तैयार करवाया है। और ये किचन था, मैंने कहा थोड़ा सा आपको अंदर से बाजी के घर का दिखाती हूँ व्यू। और ये बाजी बना रही थी आशरे के लिए नमकीन चावल, क्योंकि आशर आटे की रोटी नहीं खा सकता, तो ये उसके लिए चावल बना रही थी कि अगर इसने चावल खाने हों। और ये खरबूजे हैं जर्मनी के और तरबूज थे। और ये सलाद काट रही हूँ मैं, ये मैं नहीं काट रही, मेरी सिस्टर काट रही हैं। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाती हूँ। ये बाजी का फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर भी ऐसे ही है, ऊपर उनके बेडरूम वगैरह हैं सारे बच्चों के और बाजी का। और ये नीचे सिटिंग रूम है, सिटिंग एरिया।
ये बाजी का बेटा है माशाल्लाह से, गुपलू गुपलू सा, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। ये छोटे होते की तस्वीर है उसकी, जब ये बेबी था, अब तो 10 साल का हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह में सेहत दे, तंदरुस्ती दे। ये भी उसकी तस्वीर है छोटे होते की, अब माशाल्लाह 10 साल का है, बड़ा हो गया है माशाल्लाह। ये बाजी ने बनाई थी चटनियाँ, और ये कुछ सॉसेजेस थे, और ये केक बनाया था मेरी भांजी ने, बहुत ही मज़े का बना था। और ये साथ में चाय थी, ये खाना तैयार हो गया था, ये बच्चों को सारी प्लेटें बना के दी। फिर मैंने ये कबाब वगैरह और चिकन और सॉसेजेस, जो जो बच्चों को पसंद है, बच्चे ज़्यादा शौक से यही चीज़ें खाते हैं, ये चटनियाँ, दही की चटनी, सलाद, नान, ये चावल थे आशर के लिए बनाए, जो आशर ने बिल्कुल नहीं खाए, क्योंकि इसको घर 2-3 दिन हो गए थे चावल खाते हुए, तो कहता आज मेरा दिल नहीं कर रहा चावल खाने को, तो मैंने मामा कुछ नहीं खाना, इसलिए सिर्फ कबाब वगैरह लिए या फ्रूट वगैरह, ये फ्रूट वगैरह थे साथ। और बहुत ही मज़ा आया आज, हमें सबको बैठ के हमने गप्पे शप्पे मारी, खाना शाना खाया। यकीनन आपको भी हमारी आज की व्लॉगिंग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।